नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। नजर डालते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। दिल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सशर्त जमानत दे दी है। वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे, मामले में जुड़े गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। कोर्ट ने सत्येंद्र को 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरने का आदेश भी दिया है। 17 महीने से जारी हिंसा के बीच मणिपुर में 19 भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा, हिंसा रोकने का यह एकमात्र रास्ता है, सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। हरियाणा के पंचकुला में शनिवार दोपहर पंजाब से मोरनी हिल्स जा रही बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलट गई। हादसे में बस के ड्राइवर के अलावा 10 से 15 बच्चे घायल हो गए। बच्चे स्कूल ट्रिप पर मोरनी हिल्स जा रहे थे। सभी बच्चों को मोरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। किराना स्टोर्स में बिल के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से अब छुटकारा मिल जाएगा और यह होगा शॉपिंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से। जियो की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस शॉपिंग कार्ट स्वयं ही खरीदारी का बिल बना देगी। रिलायंस जियो ने इस कमाल की टेक्नोलॉजी को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में प्रदर्शित किया है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सरकार आपके द्वारा जन समस्या समाधान शिविर में शनिवार को एक ठगी का मामला सामने आया। ग्राम जुलमी की निवासी गुड्डीबाई, जो एक विधवा और एकल महिला है, उसने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए रक्षाबंधन से 4 दिन पहले राकेश नाम के व्यक्ति को 3,000 रुपए दिए थे, लेकिन न तो कनेक्शन हुआ और न ही पैसे लौटाए गए। मंत्री के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा जयपुर जिले में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस 60 दिवसीय कार्य योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देर रात 1:20 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान ने शुक्रवार को दुबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। बीच यात्रा के दौरान ही विमान में बम होने की सूचना मिली। टीवी के फेमस स्टार्स कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद एक्टर ने की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक रिश्ते में हैं, जिसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि शिवांगी ने कुशाल के साथ डेटिंग की खबरों पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार को मुकाबले का चौथा दिन रहा। फिलहाल तीसरे सेशन का खेल खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 462 रन बनाए हैं, वहीं न्यूजीलैंड को 107 रन का टारगेट दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक प्रपोजल दिया है। क्रिकबज के मुताबिक पीसीबी ने कहा है कि टीम इंडिया अपना हर मैच खेलकर भारत लौट सकती है और इसमें पाकिस्तानी बोर्ड उनकी मदद करेगा। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।